हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है वर्षा, पर आप मुझे प्यार से भी बुला सकते हैं। दिस वीडियो इज फॉर ऑल माय फ्रेंड्स, ऑल माय फैमिली, और तो कोई नहीं, फॉर ऑल माय फ्रेंड्स एंड माय फैमिली एंड फॉर एवरीवन हु विश मी ऑन माय बर्थडे। थैंक यू सो सो मच, रियली मीन्स अ लॉट टू मी। और इसमें आपको सिर्फ मेरे गिफ्ट्स के अनबॉक्सिंग दिखेंगे जो कि मेरे फ्रेंड्स ने और मेरी फैमिली ने मुझे गिफ्ट किया है ऑन माय बर्थडे। दिस क्लिप्स जो भी ये क्लिप्स है वो सारी मेरे बर्थडे की है और 9th of March की। सो एंजॉय, आई एम नॉट ब्रैगिंग और कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। आई एम जस्ट, दिस इज माय वे ऑफ शोइंग अप्रिसिएशन वुड बी अ गुड वर्ड, क्या लगता है? हाँ, मतलब दिस इज माई वे ऑफ शोइंग लव टू माई फ्रेंड्स एंड फैमिली बिकॉज आई डू दिस। मैं सिर्फ ऐसे ही कर पाती तो दिस इज माई वे ऑफ शोइंग लव टू देम। थैंक यू सो सो मच एवरी वन, आई लव एवरीथिंग क्योंकि सब कुछ मेरी पसंद से था। तो आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव यू ऑल इन माई लाइफ एंड आई लव यू गाइस सो सो मच। थैंक यू एंड नाउ यू कैन वॉच जो जो गिफ्ट्स आए। बाय गाइस। हेलो गाइस, मैं निशा के घर पहुँच चुकी हूँ। मुझे एक सेकेंड, और हम बहुत गंदे आ रहे हैं। नहीं तो नहीं आ रहे, गंदे से नहीं आ रहे, हम नहीं गंदे, पर हम आधे आ रहे हम नहीं गंदे, तुम गंदी। तो अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, बाकी के लोग आ रहे नहीं है। गाइस, वर्षा की बात मैं कभी विश्वास मत करना कि एक घंटे में आऊँगी, 4 घंटे बाद आइए। और इसके बाद ओ, मैं फ्रेम से बाहर निकल गई भाई, अब वापस करते। अरे नहीं, ठीक है, थोड़ा सा थोड़ा उठना पड़ेगा आपको ना। आप ठीक है? तो हम अब ऐसे क्या बोलने आते हैं, हम क्या कर रहे हैं? हाँ, हमारे पास थोड़ा सा टाइम है तो अभी गिफ्ट खोलने वाली हूँ। ये मैडम, ये नहीं कि खुद दे लो, सब कुछ खुद ही लेना मैडम, तो क्या दो भाई। हाँ, अच्छे से गाइस, मैंने इतने अच्छे से वो बैग ही लेके आया है कि मैं दूँ। ये बेस्ट पार्ट होता है अभी गाइस, दिस इज निशा रिचुअल भाई। हाँ, ये तो रिचुअल लेटर होना जरूरी है, बट ये निशा की पैकेजिंग रहती है हमेशा A1, ठीक है? मेरी पैकेजिंग में छोड़ो, मैं नहीं बात करेंगे उसकी, बट दिस इज ओनली, इसको नहीं पड़ेगी आपके सामने, दिस इज फॉर मी। इसको तो छुपा रहे हो, ये मेरे सबके हाथ ही ना, दिस इज फॉर मी। नहीं, वो नहीं पड़ते। ओ, मैं किस पे भाई साहब, ऐसे कुछ हो बोलूं क्या? मैं चाचा नहीं, इसको ये लास्ट में खोल दे, नहीं तो कुछ भी खोल दे, ऐसा कुछ नहीं है, इसको लास्ट तो मैं ये खोल दे। ये तो मुझे पता है लगभग, आई गेस क्या है। नहीं नहीं, कुछ मान ले आज क्या ग्लास, हाँ ऐसा कुछ, न्यू घर में एस्थेटिक पता नहीं, बट आई विल पुट इट इन माय रूम। यस, तो मुझे क्या हाउस वार्मिंग गिफ्ट दे रही है क्या? वैसे मैं तब कुछ दूंगी। हाँ चलेगा, नहीं तब तो मुझे गाइस तुम्हारे घर में तो मेरे कदम पड़ गए, तो मैं तो वो हो गई, धन्य हो गई, धन्य हो गई। हार भाई, धूप में अच्छी आई गई, पर खोल नहीं, हार लेते हाँ हार ले भाई, इतना अच्छा गिफ्ट पैकेजिंग किया था मैंने खुद। मैं मानती हूँ कि निशा बहुत अच्छी पैकेजिंग करती है, पर मुझे कोई शर्म नहीं आ रही है। अच्छा ये है, मुझे लगा क्योंकि दीदी के बर्थडे ब्लॉग में देखा था तुझे, वो बड़ा अच्छा लगा था। और टम्बलर, हाँ टम्बलर नहीं, मैं टम्बलर नहीं यूज करती ना, बस हाँ ये छोटा सा है, ये ज्यादा चीजें। इसमें आई हैव माय ब्लैक कॉफी और टी, और मुझे चाय को चाय बन रही है क्योंकि मुझे चाय, एक्चुअल चाय मना है, मतलब दूध भरी चाय, तो फिर टी बोल रही हूँ मैं, थोड़ा फैंसी भी लगेगा। मैं बिना बिना दूध की चाय पी रही हूँ ना, तो टी टी या पत्ती है, क्या करूँ, रहने दे रहने दे, तुझे पता चल गया ना क्या है? हाँ, मुझे मुझे पता चल गया है, जैसे ये है, ये टम्बलर है, ठीक है ना। थैंक यू, ये तो थोड़ी हिंट दोगे मुझे? हाँ क्या हिंट देना है इंटरेस्टिंग नहीं है ये लोग। अरे क्योंकि वर्षा ना वो चिट्स रखती थी हमेशा, कि
गैस करने का मजा आती है और मैं कैसे गैस नहीं कर पाती हूँ। सबसे गंदा तो ऑक्टोपस वाला था और पर उस पर बना था और उस पर मैंने फोटो भी लगा रखी थी बाहर से और उस पर वो लगा हुआ भी था ना बेबी टी। अब मैं आपको बाद में दिखा दूंगी और भी भाई खत्म ही नहीं हो रही। ये तो बुक्स है 100% अगर नहीं नहीं तो देख आ, सही मैंने बोला ये बुक्स है मतलब एक है हमारी पर बुक्स तो इसकी पैकेजिंग मैंने अच्छी की मैंने अच्छी की बुक्स बहुत तरह की है। अगर आप बोलते इस पे बुक्स नहीं ओ ये वो पिंटरेस्ट वाली पैकेजिंग है गाइस मैंने गाइस आई एम माय इंटरेस्ट है मैंने बहुत कोशिश की थी बोला इसके ये हुई नहीं मुझसे मेरे बस का नहीं है मैंने इसे बहुत नीट पैकेजिंग करने की कोशिश बहुत अच्छी है मैंने सब फाड़ दिया है पता चढ़ा हो मैं एक बार ऐसे ऐसे हो चुकी हूँ कि इसका तुझे मुझे ना खराब हो गया था बट क्या फर्क पड़ता है भाई तू भी देख रहे हो कोई बात नहीं ये बुक वो नहीं रॉम कॉम नहीं था मैंने सोचा कुछ और देती हूँ मैं पढ़ती हूँ भाई ना बिना रॉम कॉम के भी किताबें पढ़ती हूँ तो फैंटेसी में ज़्यादा पढ़ती है ना फिर ये फैंटेसी ये सब बुक थी मैंने इसलिए बहुत बहुत सुना है इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रही थी काफी टाइम से कि मैं ये दूंगी अब कुछ नया पढ़ने का समय आ गया है कि मैं कुछ नया पढ़ूं रोम कॉम से तो मैं वैसे सोच रही थी जो 1000 स्प्लेंडेड सन वाला है उसकी वो फर्स्ट वाली बुक काइट रनर फर्स्ट बुक जो काइट रनर है वो अच्छी है पर वो मुझे लगा कि गिफ्ट नहीं देनी चाहिए किसी को तो क्यों कैसी है उसके बारे में बाद में बात करिए बुक्स ये तो प्लीज इग्नोर कोई बात नहीं पहले हम मोनू भैया आप हो तो वही सभी फोन मत करना होल्ड ऑन थैंक यू और ये चीज ये किराए नहीं है जर्नल यस बट मैंने ये इसलिए ली क्योंकि मुझे इसका कवर बहुत ज्यादा पसंद आया तू ऋषिकेश ही थी नहीं तो तू ऋषिकेश हो जाऊंगी 10 बार इसको मैं कब से बोल चुकी चल चल नहीं जा पाई ओ ये मैंने ये बहुत प्यारी है कवर जो है ये बहुत अच्छे से खोलने की कोशिश कर रही मैं गाइस सबसे एक्साइटेड इस गिफ्ट के लिए हूं जो मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है मैं तो मोबाइल में सब कुछ मुझे तो बोल में आती है ये देखने में मुझे वो बोल गए थे और इस पे अब वर्षा मेरी जर्नी लिखी और इस पर लिखा लिखा भी है थैंक यू मुझे आधी कात की फैमिली और मेरी साइड की फैमिली ने सब्सक्राइब किया हुआ सच में मैं जितना इसके चैनल को प्रमोट करती हूँ कोई करता होगा भाई
सीखा भी नहीं था उस दिन, बस प्रैक्टिस पहली बार कर। और ये देखो मैंने हार्ड वाला मैं बुक कवर से दो दो वो भी तुझे सच में। हाँ अंजलि दीदी को पता है उसको मैंने भेजा था दीदी को, ये वाला खराब हो गया था मेरे को पसंद नहीं आया, लग रहा है मैं वो धागा लाई मैंने इसका बनाया तो मेरे को लगा कि इसको वापस खोलते पूरा खोला देन वापस बनाया था थोड़ा शेप में बना था बहुत नहीं शेप शेप तो ठीक पहले वाला गंदा बना था। अच्छा तुमने खोला ये वाला खोला मैंने सोचा दूसरा बना था कौन खोलेगा बुक का वो देखो ये टेढ़ा लग रहा था उसने तो उस पर हो रखा है बस ना है वो ये इसमें उसकी शेप ऐसे देख ये नहीं वो बुक डालने के बाद अब जाता है वो डाल दे कहाँ है वो दोनों ही डाल दे जब क्योंकि दीदी ने मुझे बताया था ना वो ऐसे ही हो रहा था जब बुक डाली तो फिर ठीक हो जाता है। ये वाला थोड़ा पहले बहुत हो गया था पर फिर मैंने सोचा नहीं खोल के बनाते हैं फिर खोली मैंने घुसे ही नहीं घुसे बुक लिख के नहीं बने मैंने बना दीदी बस उसको घुस गई यार अरे घुस जाती है सब एडजस्ट हो जाता है देखो देखो अब वो ठीक भी हो गया अब वो बराबर हो जाएगा रुक जा देखो वो बराबर हो गया ऐसे मेरे बटन मेरा मैं नहीं गई मार्केट लेने के लिए बटन कोई बात नहीं ये देखो अब हो गया ना बराबर सो स्वीट दिखा ऐसे गेट योरसेल्फ अ बेस्ट फ्रेंड और डोंट नहीं मिलेगी मेरी सिस्टर नहीं मिलेगी तो दैट्स टू गाइस ये भी डाल देते हैं जब मैं दिल्ली गई थी स्टार्टिंग से गई थी हाँ तब मैंने वो ये बना के गई थी आप वो खराब हो गया आके खोला मैंने मैंने वापस बना लेते बन जाएगा तब थैंक यू फैला दो अब मैं ना ऐसे सबसे अपने पंजों पे हाँ पंजे अभी वैसे ही बैठी थी अब मेरे बुक बना दी गए चलो गाइस सी यू बाय बाय थैंक यू भैया नहीं उठ रहे अरे वीडियो चल रही है मैं थोड़ा ऐसे हो जाना यार उसे दे इधर आ भाई थोड़ा इधर आ थोड़ा आगे हो अरे मैंने चल रही है गाइस अवार्ड से फाइनल से मतलब है भाई ये बहुत भारी है नहीं ऐसे तुझे वो उसमें दिखाना पड़ेगा ना कि वो भाई क्या दीदी साइड से देख रही है ओह माय गॉड क्या है सच में क्या है अरे आलू है दो आलू रखे हुए महंगे हो गए ना आलू गाइस इतना भारी है कि बेचारी से पकड़ा भी नहीं जा रहा है उठने वाली चीज है हेल्प करो मेरी खड़े होने के लिए गिफ्ट दे रहा है कप सेट तो नहीं है कप सेट अरे तो बुक तो बिल्कुल नहीं है रुक जाओ मुन्नू भैया थोड़ा पीछे जाओ पीछे जाओ थोड़ा आशीर्वाद दे रही है तूने अरे स्टीकर की रानी यार स्टीकर नहीं है वो उठाओ 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 कोई वैल्यू नहीं मार के वो कैंपिंग आ गया सही पहले तो मेरे बुक बाय ऐसे कर रहे हैं कई बोल रहे हैं उससे ऐसे कर रहा ना दो अब दो ऐसे अच्छा ऐसे अच्छा ये सुन ऐसे दो बता लो अब ऐसे सारे के सारे एक जैसे थैंक यू मैं लाइक चैनल वेलकम सिर्फ लड़कियां बोला है उसने नहीं तो लड़का बाय गाइस गुड
नाइट, दिस वॉज इट। अब हम डिनर कर रहे हैं और सृष्टि जी आप होकर भी यहाँ नहीं हो तो स्नैप बना तू। Hello Arsha, happy birthday. I just saw your message and I'm super happy and super proud for you. You're very talented. I love your YouTube channel. I love your edits. I love how you reshare all my vlogs on the story. Thank you so much for being there with me always. I really, really glad to have you in my life. Thank you so much. Wishing you all the best and all the happiness for your birthday. And yes, take care. I'll see you super soon. I'll come to Dehradun again very soon and we'll meet. Bye bye. Take care. Love you.